प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिमाचल में सीएम की बैक टू बैक रैलियां, हिमाचल के बंजर में गरजेंगे सीएम। लखनऊ में दो युवतियां हुई लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई दर्ज। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों ने बच्चे और महिला को काटा, लोगों ने सोसाइटी के गेट पर दिया धरना। औरैया में उद्योग व्यापार मंडल के अधिकारी पहुंचे कार्यालय, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बिजनौर में 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस युवक को समझाने में जुटी। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। बलिया में फेफना थाना क्षेत्र के आराजी माफी सारकपली गांव में एक महिला ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। वायरल वीडियो में महिला ग्राम प्रधान के साथ कुछ लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। ग्राम अराजी माफी के महिला ग्राम प्रधान के साथ उस गांव के कुछ लोगों ने मारपीट किया था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 4 अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई। फरुखाबाद में एक अपराधी हाथ में तख्ती लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और अपने आप को बेकसूर बताया। बता दें कि हाथ में तख्ती पकड़कर एसपी ऑफिस पहुंचे अपराध पर कई मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही अपराधी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक के सामने अपराध छोड़ने का शपथ पत्र भी दिया। ये ऊपर जो हिमांशु पाल आया था, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं और इसने अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 साल पहले अपराध किया है, तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिनका आपराधिक इतिहास रहता है, पुलिस उसको पूछती रहती है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, लेकिन किसी प्रकार का इसका अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। क्राइम करना कोई नहीं चाहता है। बचपने में जो लोग कोई गलती कर देते हैं, कुछ भी बच्चे हों कोई, तो वो अब सुधरना चाहते हैं। ये सरकार ऐसी है कि इसमें मौका मिलता है तो इन बच्चों को भी, मुझे लगा कि इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे होशियार भी हैं, पढ़ने भी ठीक हैं, गलत राह पे चले गए थे, तो बस मैंने एक छोटा सा काम किया कि समाज में इन्हें सुधारना चाहा। सर, हमें पुलिस परेशान करती है। सर, क्यों परेशान करती है? सर, मेरे ऊपर कोई मुकदमे नहीं है सर, पहले के मुकदमे थे सर, वो तो किशोर बोर्ड में ख़त्म कर दिए हैं। हाँ जी, फिर क्यों परेशान करती है, क्या कारण क्या है? सर, कोई कारण नहीं है सर, ऐसे ही सर, पता नहीं। तो आप यहाँ पे लिख के ले आए मैं साहब बेकसूर हूँ, मतलब क्या कहने आए हैं कप्तान साहब के पास? सर, मैं चाहता हूँ सर, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। खबर लखनऊ से है, जहाँ कृष्णा नगर में रहने वाली दो युवतियाँ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। युवती के परिजनों ने बताया कि बेटियों को कानपुर से लखनऊ आने वाली रोडवेज बस में बैठाया गया था। काफी देर तक बेटियों की कोई सूचना ना मिलने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को सकुशल बरामद करने का आश्वासन दिया है। नगर में बच्चियों के फादर ने दिया कि दो बच्चियां जो कानपुर में गई थीं प्रकाशोत्सव पर्व में, वहां से लौट रही थीं, उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो मिसिंग है। इस रिपोर्ट पे तत्काल कृष्णनगर थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और इंस्पेक्टर कृष्णनगर और एसीपी कृष्णनगर ने उस पर पूरा टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई कानपुर रोड में विभिन्न कैमरों की, आलम बस स्टैंड जहाँ तक बस जाती है वहाँ पूरा वेरीफाई किया गया, सारा उनके मोबाइल नंबर का डाटा सर्वेलेंस निकाला गया जा रहा है सर्वेलेंस टीम द्वारा, और उसके आधार पर अभी आज सुबह 4 टीमें बनाकर विभिन्न जनपदों में रवाना की गई हैं, कानपुर, गाजीपुर एवं विभिन्न जनपदों में रवाना की गई हैं। बहुत जल्दी इन बच्चों को बरामद किया। लखनऊ की दो लड़कियाँ कानपुर जाती हैं, कानपुर से वापस लखनऊ आती हैं और वो अचानक से गायब हो जाती हैं। उनके परिजन उनको ढूंढते हैं, उनका काफ़ी रो रो के बुरा हाल भी है। आज लखनऊ में कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में उनके परिजन और तमाम जो लोग हैं
घेराव करते हैं, उनको क्या पुलिस से आश्वासन मिलता है? उनके पिताजी हैं सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा प्रतपाल सिंह नाम है। सर अभी आप लोग थाने का घेराव किए हैं, काफ़ी भारी संख्या में हैं, क्या पुलिस से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? जितने लोग यहाँ पे आए हैं सब संगत रूप हैं। हमारी बेटी सरबजीत कौर जिसकी उम्र 25 वर्ष है, दूसरी बेटी तरनजीत कौर जिसकी उम्र 22 वर्ष है, वो 8/11/2022 को जिस दिन गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व था, कानपुर में बहुत भारी संख्या में मनाया जाता, उस कार्यक्रम में वो शामिल होने गई थी। शामिल होने के बाद वो नाइट होल्ड करने के बाद कल 9/11/2022 को शाम को 4 बजे तकरीबन बस में बैठी हैं। बस में बैठने के बाद उन्होंने अपने बस की फ़ोटो भेजी है, वीडियो भेजी है जो लगभग वायरल है, सबको पता है। उसके बाद वो 5 बजे उसका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया। मेरा और मेरी दोनों बेटियों का तीनों का फ़ोन आईफोन था जो एक दूसरे से कनेक्टेड था। कनेक्टेड में ये यानी जहाँ वो रहेंगी मुझे पता चलेगा, जहाँ मैं रहूँगा उनको पता चल जाता है, ये फीचर उसमें होता है। मगर 5 बजे जब वो डिसकनेक्ट हो गया, जो आज तक नहीं हुआ, पिछले 5-6 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा थोड़ा मन भटका। मैंने तुरंत 6:30 बजे यहाँ पे आया और लगातार प्रशासन के संपर्क में रहा। रात भर प्रशासन ने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ गया, मगर बच्चियाँ हमारी नहीं मिली हैं। शासन प्रशासन जो संगत यहाँ पे आई है, सभी संगत ने जो उस बच्ची से प्यार करती थी, जो इस परिवार से प्यार करती है, वो सब आए हैं यहाँ पे। अभी SP महोदय CO महोदय से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 से 5 घंटे के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सभी संगतों को मैंने निवेदन किया इनका धन्यवाद करते हुए कि अभी कम से कम पुलिस को समय दें। अगर 5 से 6 घंटे में पुलिस अगर इस काम को नहीं कर पाती है, मेरी बच्चियों को वापस नहीं ले पाती हैं, फिर हम लोग इसको बहुत मजबूती से इनको घेराव करेंगे। हालांकि पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, जो बच्चियों के लिए महिलाओं के लिए काम करती है, उनसे पूरी उम्मीद है कि मेरी बच्चियों को वो सकुशल हमारे हाथों में, हमारे पेरेंट्स के हाथों में देंगी, यही उम्मीद करते हैं। प्रीतपाल जी ये बताइए, आखिरी लोकेशन नेक्सा शोरूम बताई जा रही थी आलमबाग की, और उसके बाद से जो आपकी जो बेटियां हैं वो अचानक से गायब हो गई, इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि क्या कयास लगाए जा रहे हैं आप लोग की तरफ? नहीं, ये थ्योरी एकदम फेल हो गई है। मुझे ये बताया गया था कि वो नेक्सा शोरूम पर उतरी हैं, जबकि बच्चियाँ, ये घर पास में पड़ता तो यहीं पर उतरती हैं अक्सर। अगर कानपुर जाएंगी तो घर LDA, तो नेक्सा शोरूम जाने का कोई तुक नहीं है। और 1% अगर गई है तो वो TV फुटेज में आना चाहिए, CC फुटेज में आना चाहिए, जो हम लोगों ने खंगाला अभी तक वो कहीं दिखी नहीं है। अब मुझे पूरा थोड़ा डाउट है कि जो कंडक्टर है और ड्राइवर है, क्योंकि जब वो चली थी तो अगर फुटेज में देखेंगे पूरी बस के अंदर 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं। और इस बात के लिए मैंने बच्चियों को डांटा भी था, मगर बच्चियों ने ये बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अमित शाह कहते हैं कि हम लोग कहीं पर भी कहीं भी आ जा सकती है, महिलाएँ स्वतंत्र हैं, हमें पूरा विश्वास है अपने सरकार के ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था, मगर नहीं आई है तो बड़ा मन दुखित है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि मेरी बच्चियों को मेरे झोले में फिर से ला के दे दे, सकुशल आ जाए, यही ऊपर वाले से अरदास। प्रीतपाल जी अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने आपको समय दिया है, आपने कहा कि 4 से 5 घंटे का, अभी तकरीबन 1 बजा है, यानी कुल मिला के 5-6 बजे का, तो अगला कदम क्या होगा आप लोग के द्वारा? देखिए, उन्होंने 5 बजे का समय दिया है, हमने 6 बजे का उनको कहा कि 6 बजे तक आप हमको कोई गुड न्यूज़ दे दीजिए, हम लोग इसी तरह आप लोग को धन्यवाद करने आएंगे, फूल लेके आएंगे, प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। अगर प्रशासन इसमें फेल हुआ तो हम लोग फिर इसी तरह हम लोग बैठेंगे, इसमें हम लोग मजबूर होंगे, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, हम लोग सारे संवैधानिक अधिकार कानून के दायरे में रख के पूरी तरह इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चियां 5 से 6 बजे तक का कोई उसकी जानकारी नहीं मिली तो। आप लोग ने तहरीर दी है अपनी तरफ से, किस बिहाव पे दिए, किन धाराओं में तहरीर दी है, किस लिए तहरीर दी है? अभी कोई भी धाराएं उसमें नहीं लिखी गई हैं, अभी सिर्फ उन्होंने एक फौरी तौर पे एक FIR नोट कर ली है गुमशुदगी की। इस पर भी SP साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बच्चियाँ जब बरामद हो जाएंगी तो बच्चियाँ अपना हाल बताएंगी, अगर कोई किडनैपिंग का मामला होगा या कोई उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो उनके बयान के आधार पे उसको FIR को कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए शासन प्रशासन पे हम भरोसा करते हैं। किसी पे डाउट है प्रीतपाल जी? अभी सर हम क्या कह सकते हैं सर, इन्होंने रात भर मुझ पर भी डाउट किया, मेरी पत्नी पे, मेरे बेटे पे,
और एक बच्चा किस पे डाउट किसने किया? एक बच्चा भी एडमिट, मुझसे भी पूछताछ की गई कई चीज़ों पे, मैं पूरा मैंने सहयोग किया। एक बच्चा जिसके बारे में ये बताते हैं कि उनसे लव वो करती है बच्ची, तो मैंने कहा ठीक है बच्चा और बच्ची अगर लव करते हैं तो बच्चा तो पकड़ा गया, मगर हमारी बच्ची कहाँ है? तो मैंने जो नियम है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, उसको आपने पकड़ लिया तो साथ में बच्ची भी पकड़ में आनी चाहिए। तो वो भी थ्योरी जो सुबह 3 बजे होते होते तक फेल हो गई, हालांकि बच्चा अभी थाने में बंद है, उसको उन्होंने यहीं रोक रखा, अभी गिरफ्तार नहीं किया मगर रोक रखा उनको। एक थ्योरी उन्होंने आगरा की डाली थी, तो हमने कहा सर आप किसी भी थ्योरी पे जाइए, मैं पूरा सहयोग, मेरा परिवार, मैं हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, मगर लखनऊ की किसी भी संगत से, किसी भी एक व्यक्ति से आप पूछेंगे उस बच्चियों के बारे में, उस बच्चियों के बारे में इस तरह की धारणा कोई भी नहीं रखता। आप इतनी संगत यहाँ खड़ी हुई है, उसका नाम लेके किसी भी संगत से पूछेंगे, सभी उस बच्ची के बारे में जानते हैं कि वो बच्ची एकदम निर्मल मन की थी और वो गुरु गोविंद सिंह की बच्चियाँ थी, गुरु नानक देव जी की बच्चियाँ थी, बहुत धार्मिक ख्याल की बच्चियाँ थी, सेवाएँ में लीन रहती थी। आप हमारे मीत साहब हैं, ये नाके के मीत प्रधान हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, और भी लोग यहाँ पे हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि वो बच्चियाँ बहुत अच्छी थी। पुलिस ने किसी लड़के को उठाया है, किसी या मतलब लड़कियों की मुलाकात होगी, शायद दोस्ती होगी, पुलिस ने इस लिहाज पे उठाया है क्या? देखिए इसके बारे में, देखिए मैं माता पिता होने के नाते मेरी पत्नी होने के नाते, हम लोग माता पिता होने के नाते तो ये नहीं कह सकते, मगर पुलिस की थ्योरी है, हम कहीं पे भी उस पर बट नहीं लगा रहे हैं, प्रशासन के साथ हैं, शासन प्रशासन ने मुझसे जो भी जानकारियां रात को प्राप्त की, मैंने कोई हिचक नहीं की, सारी बात बताई। सुबह भी उन्होंने पूछा, पहले रात को उन्होंने पूछा कानपुर के बारे में, सुबह आगरा के बारे में, मैंने पूरा प्रशासन शासन का सहयोग किया और शासन प्रशासन भी अपनी ओर से लगा हुआ है। प्रीतपाल जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बच्चियां बहुत जल्द मिल जाए और सभी उम्मीद करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये था कि अगर बाय द वे अगर मान लीजिए पुलिस 6 बजे तक अपना काम नहीं कर पाती है तो क्या फिर आप लोग फिर से धरना देंगे? बिल्कुल, हम अपने कौम के आगे ये बात रखेंगे, हमारे सब आगुआ हैं, सबके आगे बात रखेंगे, जो सभी का निर्णय होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रीतपाल जी, जो लड़कियों के परिजन थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस कहीं ना कहीं शाम के 5 से 6 बजे तक उनकी लड़कियों को सकुशल बरामद करके देगी, अगर नहीं देती है तो वो फिर से इस तरीके का थाने का घेराव करेंगे। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जहां 2 बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अमेठी में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के चल रहे अवैध असलाह फैक्ट्री की भंडाफोड़ किया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर असलाह बना रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान और 11 अवैध असले भी बरामद किए हैं। तरबीपुर से गड़ा माफी जाने वाले रास्ते में एक जंगल में एक खंडहर मकान में एक आदमी और ये असला बनाते हुए पकड़े गए थे। इसमें एक और भी इन्वॉल्व था, वो वहाँ से फरार हो गया, उनको भी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये इन लोगों को कब्जे से 6 अदद अवैध शस्त्र, इसमें 5 है 315 बोर का है, 1 12 बोर का है और 5 आधा निर्माणित शस्त्र भी, 5 कारतूस भी बरामद किया है। खबर औरैया से है, जहां उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष राजेश वाजपेयी समेत कई पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि व्यापारियों ने समस्याओं का निदान कराए जाने की मांग की और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। या डिपो या अन्य डिपो की बसें हैं जो कानपुर से आती हैं, आगरा जाना हो, इटावा जाना हो, जिसमें औरैया के व्यापारी या आम जनमानस होता है, वो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर एक शताब्दी होटल है,
वहाँ पर ठहर जाती हैं और लगभग ये नहीं 10-5 मिनट रुके हैं, पौन घंटा से एक घंटे के बीच का समय लेती हैं, जिससे व्यापारी लोग जो आ रहे हैं उन पर रुपये भी होते हैं और हाईवे पर छोड़ देती हैं। रोडवेज की जो बसें हैं बस स्टैंड के अंदर खड़ी ना होकर के हमारे व्यापारी भाइयों के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है और व्यापारियों का व्यापार मना करने पर वो लड़ाई झगड़े पे अभद्रता पर उतारू हो जाती है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल औरैया के शाखा द्वारा ज्ञापन दिया गया कि परिवहन निगम की बसों से डिपो है उसके आसपास खड़ी होती है, इससे इनके व्यापार प्रभावित हो रहा है और एक दो बिंदु और इनके तो इसके संबंध में हम रोडवेज के रीजन मैनेजर को भेजेंगे, उनसे आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाएगी कि वो अपनी समस्याओं को निस्तारण कराकर हमको अवगत कराए। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के नेतृत्व में मणिराम छावनी से भरत यात्रा निकाली गई, जिसका समापन तपोत्सली भारत कुंड और प्रयागराज का भ्रमण करते हुए चित्रकूट में होगा। देश में राम राज्य स्थापना के लिए कई वर्षों से भरत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बिजनौर में मोहल्ला जाटान में दिमागी रूप से परेशान और नशे में धुत एक युवक 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। आपको बता दें, मोहल्ले वासियों ने बताया कि युवक दिमागी रूप से परेशान है और इसका अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। साथ ही कहा कि युवक मोहल्ले में आतंक मचाया करता है, जिससे मोहल्ले वासी भी काफी परेशान है। कई घंटों से युवक को उतारने की पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही। युवक यह है इस टाइम सुल्फा शराब नशे में है, थोड़ा बहुत इसमें दिमाग में भी कमी है। कोई परिवार में कोई रंजिश ऐसी बनी हुई, परिवार में रंजिश के चलते रंजिश क्या रहते ही ऐसी पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है इसने। रात को सो ना सोन दे ना, मुकदमेबाजी चल रही इस पर। हाँ, मुकदमा चल रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्कूल के शिक्षक की पिटाई से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को इलाज के लिए होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्कूल प्रबंधक ने आरोपी शिक्षक को जाँच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। गाजियाबाद में एक बार फिर से इंसानों पर कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है। इस बार गाजियाबाद के पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में कुत्ते के हमले से 3 वर्षीय बच्चा घायल हो गया है और एक महिला पर भी कुत्तों ने हमला किया है। इस वजह से सोसाइटी के लोगों में काफी गुस्सा है और वे सोसाइटी के गेट पर जमा होकर धरना दे रहे हैं। यहाँ पर कुत्तों का बहुत आतंक है। मेंटेनेंस ने सोसाइटी को हैंडओवर अभी नहीं किया है, सारी जिम्मेदारी मेंटेनेंस की बनती है। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ का संज्ञान नहीं लिया गया। जितनी कंप्लेन हम लोग करते हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। उसमें सबसे बड़ा है कुत्तों का आतंक, जो कि पिछले कुछ महीनों से इतना बढ़ गया है कि अगर सोसाइटी में पागल कुत्ते भी घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ पे कुछ डॉग लवर्स भी ऐसे हैं जो कुत्तों को दिन रात फीड करते हैं और हमारे ही ऊपर ऑब्लिगेशन लगाते हैं। जब तक कुत्तों के खिलाफ प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेगा तब तक हम महिलाएं पूरी रात यहीं खड़े रहेंगे। जब तक हमारी FIR लॉन्च नहीं होगी हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। घटना क्या घटी यहाँ पे? घटना ये घटी है, एक औरत को काटा जिसकी राइट विजन चला गया, एक बच्चे को बुरी तरह कुत्तों ने काटा फफेड़ दिया जिसकी हालत खराब है। सोसाइटी में काफ़ी स्ट्रीट डॉग्स है जो अंदर -1, -2 में रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो भी दंपत्ति नीचे जाते हैं पार्किंग के दौरान तो उनको अटैक करते हैं। और कल की ही घटना है, कल शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में, लगभग एक घंटे के बीच में 2 घटनाएं हुई हैं। खबर मथुरा से है, जहां पड़ोस के ही दुकानदार ने 7 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। मासूम बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी है। आक्रोशित परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराने पर थाना कोतावली का घेराव किया। वहीं SP City SP सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। 7 वर्षीय बालिका के साथ किसी ने उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया है। कुछ लोग समाज के इकट्ठे हुए, पुलिस अपना बखूबी काम कर रही है,
लड़की के लिए मेडिकल के लिए भेजा है। मैंने आगे देखा तो काफ़ी भीड़ थी, क्या बात हो गई। तो मैं जगन और देवी नेता को बुला के लाया कि ऐसा है, आपस की बात है, उस बच्चे को हाजिर कर दो। मैंने भीड़ का जो रुख देखा, बच्चे हाजिर कर दो। कोतवाल साहब बैठे थे, बच्ची पहले आ चुकी हमसे पहले, उन्होंने फ़ौरन FIR करी है, फ़ौरन मेडिकल को भेजाई है। रायबरेली में ढी थाना क्षेत्र के परदेशपुर चौराही के पास संदिग्ध परिस्थितियों में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोगों ने मालिक और फायर ब्रिगेड की को सूचना दी है। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली की एक मोबाइल शॉप और साइबर कैफे की दुकान में तीन लोगों ने चाकू की नोक पर पैसे देने की मांग की, जिसके बाद दुकानदार के पैसे ना देने पर उस पर चाकू से वार कर दिया, जिससे चाकू उसकी हाथ में लग गया और दुकानदार लहूलुहान हो गया और लुटेरे गल्ले में रखे पैसे लेकर फरार हो गए। दुकानदार का कहना है कि गल्ले में 60,000 रुपये रखे थे, जिसे लुटेरे लेकर फरार हुए हैं। पीड़ित ने अटोरा चौकी में तहरीर दे दी है। लूट हुई है, जिस वजह से हमारे ऊपर चाकू से हमला किया गया है और 60,000 रुपए लूट कर भागे हैं अंकित कुमार यादव, लाकुस यादव और छोटू यादव। कहाँ के हैं ये? तक्षशिला के रहने वाले हैं। और तुमने पुलिस को सूचना दी अभी तक? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई थी यहाँ पर, देख कर गई, छानबीन कर गई है। खबर रायबरेली से है, जहां अवैध कच्ची शराब का धंधा बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। कच्ची शराब को एजेंट के माध्यम से आसपास के गांवों में सप्लाई किया जा रहा है। शराब पीने के बाद दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर रायबरेली से है, जहां धनबाद रेलवे क्रॉसिंग पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। थाना लालगंज पर डायल 112 से एक सूचना प्राप्त हुई कि पूरे उजागर क्या रहने वाला राहुल यादव, इसकी उम्र 25 वर्ष है, उसका एक शव रेल की पटरियों के पास मिला है। इस संबंध में तत्काल फोरेंसिक की टीम और इंस्पेक्टर लालगंज मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को पंचायतनामा कराने के लिए और पोस्टमार्टम कराने के लिए मौके से रवाना किया। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।